नीतीश कुमार के साथ नाता टूटने के बाद से भाजपा बिहार की सियासत में किसी बैसाखी के बजाय खुद के पैरों पर खड़ा करने की कवायद में जुट गई है। ऐसे में भाजपा की नज़र नीतीश कुमार के वोट बैंक पर है, जिसे अपने साथ जोड़ने के लिए पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपनी टीम का गठन किया तो पार्टी के कोर वोट बैंक का सवर्ण समुदाय का ख्याल रखते हुए अति पिछड़े वर्ग को खास तवज्जो दी है, लेकिन यादव और मुस्लिम को संगठन में जगह नहीं मिली है। इससे एक बात साफ है कि भाजपा की नज़र बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के बजाय जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक पर पड़ी हुई है, जिसके सहारे 2024 का लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 2025 की जंग भी फतह करने की स्ट्रेटेजी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 38 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें 12 उपाध्यक्ष, 6 महामंत्री और 12 मंत्री बनाए गए हैं। परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। इसके अलावा बाकी नेताओं को प्रभारी और कार्यकाल की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, भाजपा के बिहार संगठन की लिस्ट को जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा तवज्जो स्वर्ण जाति के नेताओं को मिली है और उसके बाद अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। भाजपा की 38 सदस्यीय कमेटी में 17 सवर्ण नेता हैं, जिनमें 6 ब्राह्मण, 5 राजपूत, 5 भूमिहार और 1 कायस्थ समुदाय से लिए गए हैं। साथ ही 3 वैश्य समुदाय को भी प्रदेश संगठन में शामिल किया गया है। स्वर्ण नेताओं का पूरी तरह से बिहार भाजपा में दबदबा है। इसके पीछे का कारण यही है कि सम्राट चौधरी OBC समुदाय से आते हैं, जिसके चलते संगठन में स्वर्ण नेताओं को ठीक ठाक जगह देकर साधे रखने की कोशिश की है। इसी तरह भाजपा ने अपने कोर वोट बैंक स्वर्ण समुदाय का पूरा ख्याल रखा है। सम्राट चौधरी ने अति पिछड़े वर्ग से अपनी टीम में 8 सदस्यों को जगह दी है, जिसमें शीला प्रजापति, भीम सिंह चंद्रवंशी, नितिन अभिषेक, अनिल ठाकुर, नंदलाल चौहान, ललन मंडल, अमित डांगी और राजभूषण निषाद शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा प्रदेश संगठन में 3 कोयरी समुदाय से आने वाले नेताओं को रखा गया है, तो कुर्मी समुदाय से 2 नेताओं को जगह मिली है। इसके अलावा 3 दलित नेताओं को भी प्रदेश संगठन में भाजपा ने शामिल किया है, तो यादव समुदाय से महज 1 नेता को ही रखा गया है। वही भाजपा की प्रदेश संगठन में जिस तरह से अति पिछड़े वर्ग और कुर्मी कोयरी समुदाय के लोगों को जगह दी गई है, उससे पीछे पार्टी का मकसद साफ है। भाजपा ने बिहार में नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने की रणनीति बनाई है, क्योंकि अति पिछड़े और कुर्मी कोयरी को जदयू का परंपरागत वोटर माना जाता है। भाजपा ये बात समझ चुकी है कि बिहार की सियासत में जगह बनानी है तो नीतीश कुमार को कमजोर किए बिना संभव नहीं है। इसकी वजह यह है कि जदयू का भाजपा के साथ गठबंधन होने के चलते लंबे समय से ये NDA को वोट दिया करते थे, जिसके चलते उन्हें आसानी से पार्टी के साथ जोड़ा जा सकता था। इसके पीछे दूसरा कारण ये भी है कि राजद का कोर वोट बैंक यादव होने की वजह से गैर यादव OBC को जोड़ना आसान है, क्योंकि जदयू राजद साथ है। भाजपा UP में इस फॉर्मूले के आजमाने में सफल रही है, इसलिए भाजपा बिहार में अति पिछड़ों पर खास ध्यान दे रही है। वही भाजपा ने बिहार संगठन में जिस तरह से यादव और मुस्लिम को नज़रअंदाज किया है, उसे पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा के संगठन में सिर्फ 1 यादव को जगह मिली है, स्वदेश यादव को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय से किसी को भी भाजपा प्रदेश संगठन में जगह नहीं मिल सकी है, तो महादलित समुदाय से भी किसी को जगह नहीं दी गई है। भाजपा इस बात को जानती है कि यादव और मुस्लिमों पर मेहनत करने के बाद भी वो नहीं आने वाले हैं। ऐसे में यादव समुदाय को जगह देकर बाकी OBC को नाराज नहीं किया जा सकता। वही मुस्लिमों को शामिल न किए जाने के पीछे साफ है कि भाजपा खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहती है। भाजपा की नज़र 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर लगी हुई है। भाजपा उस लिहाज से बिहार में अपनी सियासी वसात बिछाने में जुड़ी हुई है। भाजपा ने चिराग पासवान को साथ लिया है, फिर जीतन राम मांझी को उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी गठबंधन कर रखा है। वही अब भाजपा ने संगठन के जरिए जातीय समीकरण को मजबूत करने की रणनीति बनाई है।
आखिर में आपको बता दें कि स्वर्ण मतदाताओं को मजबूती के साथ जोड़े रखने के लिए उन्हें 40% जगह पार्टी संगठन में दी गई है तो 20% अति पिछड़ों को रखा है। इस तरह भाजपा ने स्वर्ण वोटों को साथ जोड़े रखते हुए अति पिछड़ों को जोड़ने की कवायद कर रही है। भाजपा ने बिहार संगठन की कमान ओबीसी के कुशवाहा समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी को सौंप रखा है तो विधायक दल की जिम्मेदारी भूमिहार समुदाय के हाथों में है। इस तरह बीजेपी काफ़ी सधे हुए तरीके से अपना एजेंडा सेट करने में जुड़ी हुई है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।